Good afternoon everyone, I am Manisha, I am from Kangra. Today we are here for the introductory lecture of HPGK Prelims course. हम सभी को मालूम है कि HPPSC ने दो तीन दिन पहले HAS के लिए नोटिफिकेशन आउट की है, जिसमें 29 पोस्ट को इस बार अनाउंस हुई हैं। इससे पहले नायब तहसीलदार की पोस्ट भी भरी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस टेस्ट को भरा होगा और जो HAS का है उसको भी भरेंगे। तो हम जो है विवेक IAS करियर अकेडमी में एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रीलिम्स कोर्स। इस कोर्स में आपको जो है वो HPGK का कंप्लीट जो है वो पूरा बताया जाएगा, सेक्शन एनालिसिस करवाया जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितना आपको वेटेज रहता है क्वेश्चंस में और आपको कौन से टॉपिक्स हैं किस तरह से पिक करने हैं और कैसे उनको करना है। प्री के साथ साथ आपको मेन्स के भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हम हर टॉपिक को जो है वो सेक्शन वाइज करेंगे और एक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो है वहाँ पे एक मॉक टेस्ट रखेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो पूरे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और साथ के साथ आपको जो है रिवीजन भी चलता रहेगा। तो अगर हम हिमाचल के सिलेबस की बात करें तो ये अपने आप में वास्ट है, काफ़ी वास्ट है। जब हम एक IAS के लिए सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, ये हिमाचल का जो सिलेबस है अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिल्कुल अलग है। इसकी हिमाचल की अपनी ज्योग्राफी है, अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक इकोनॉमी है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हिमाचल को जो है फुल फ्लेज्ड जो है वो स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो बन के आता है। तो हम जो है वो पूरे जो कोर्स है उसको हम अच्छे से करेंगे, साथ में रिविज़न भी होगा। तो हम जो है आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम कौन सी बुक्स जो है उसको फॉलो करेंगे। तो हिमाचल के लिए जनरली सभी जो है जगमोहन लोहरा की बुक को फॉलो करते हैं, हम भी वही बुक को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम उस बुक को देखें तो वो बुक काफ़ी बड़ी है और अगर उसको कम्प्लीट करने जाएँ तो अपने आप में ही एक डर सा लगता है कि इतनी बड़ी बुक को हम कैसे सेक्शनल वाइज करेंगे। तो हम उस बुक को डिवीज़न करेंगे, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, उसके टॉपिक्स देखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो प्री और मेंस में आए हुए हैं और उस हिसाब से जो हम उनको करेंगे। अगर हम बात करें हिमाचल की तो हम इसको डिवाइड करते हैं ज्योग्राफी में, इसकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी इसकी एंशियंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल हिस्ट्री है और उसके बाद उसकी मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का भी एक पार्ट है और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जो है उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो है वो सोसाइटी और पीपल का वाला पोर्शन आता है और उसके बाद जो है वो आर्ट कल्चर और आर्किटेक्चर का पोर्शन आता है, इकोनॉमी और उसके बाद जो है फिर मिसलेनियस पोर्शन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हिमाचल के लोकेशन से लेके कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से वहाँ की लेक्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं, उसके बाद वहाँ की प्रोमिनेंट वैलीज कौन सी हैं, वाटर स्प्रिंग्स कौन से हैं, रामसर वेटेड साइट्स हैं, नेचुरल पार्क्स हैं, इसी तरह से ग्लेशियर्स हैं। तो ये अपने आप में ही कंप्लीट टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो हम इस सभी को टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आराम से धीरे धीरे करेंगे। हमारा जो कोर्स है वो 25 से 30 दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि रिविज़न करना है या टेस्ट करना है तो हम वो भी जो है कंटिन्यू रखेंगे और बीच में आपकी इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट जो है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिमाचल की सबसे पहले हम देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में जो हिमाचल की सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एंशियंट रिसोर्सेज कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है हिमाचल के बारे में, जैसे ट्रैवलॉग्स हैं, जीनोलॉजीज हैं, फिर और भी बहुत सारे जैसे कॉइन्स हैं, वैसे बहुत सारे हमें सोर्सेज मिले हुए हैं जगह जगह से जिससे हमें पता चलता है हिमाचल की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो मिडिवल हिस्ट्री में जो है वो टर्क्स और कांगड़ा हिल्स के बारे में है, फिर उसके बाद आपके तुगलक्स आते हैं, फिर उसके बाद तैमूर और कांगड़ा हिल्स का है, फिर उसके बाद जो है वो मुगल्स और कांगड़ा हिल्स का है, और देन मुगल्स और चंबा और मुगल्स और सिरमौर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है मिडिवल हिस्ट्री उसका भी काफ़ी पोर्शन जो है वो HP जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने टेस्ट में पिक करता है, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से भी आते ही आते हैं। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम देखें कि सिक्स का क्या इम्पैक्ट था हिल स्टेट्स पे, उसके बाद ब्रिटिश और गुरखास थे, गुरखास कब आए थे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हिमाचल के हिल स्टेट्स पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, और उसके बाद आता है प्रजामंडल मूवमेंट्स। प्रजामंडल मूवमेंट्स टॉपिक जो है वो प्री और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में 1948 जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था हिमाचल, तब से लेके जब इसको 1971 में फुल फ्लेज्ड स्टेट का जो
किया था तब तक का पूरा जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है कि कैसे कैसे जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो है वो और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो है डेवलपमेंट हुई। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा जितने भी हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के हैं हम उन सभी की हिस्ट्री को वो अच्छे से कवर करेंगे। हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग पार्ट है, हम इसको रिपीट लेक्चर्स के साथ भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है लेक्चर कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो पर्सनल बेसिस पे प्लस क्लास पूरी क्लास करना चाहे तो वैसे भी जो है वो हम पूरा करवा देंगे। उसके बाद आते हैं पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमें पता है कि हिमाचल में बहुत सारी ट्राइब्स हैं अपार्ट फ्रॉम कास्ट जो है, उसके बाद हमारे पास शेड्यूल ट्राइब का काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है वो हिमाचल में, जैसे गद्दीस है, बंगालीस है, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़िए कि उनकी सोशल कस्टम्स क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, वो किस तरह से ये मतलब पुराने टाइम से अब तक जो वो फ्लॉरिश कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं और वो अपने आप को जो है वो कैसे उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप काफ़ी टाइम से आप अपने कल्चर को जो है वो प्रमोट भी कर रहे हो और आप उसको जो वो संभाल के रखे हुए हो। तो ऐसी बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट जो भी कास्ट है हमारी उनकी हम सोशल कस्टम्स जो चाहे वो टैक्स से रिलेटेड डिवोर्स सिस्टम है या कोई भी उनकी ड्रेसेस हैं कुछ भी हैं वो हम सभी जो है वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद जो आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, हिमाचल प्रदेश के आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर। आर्ट में आते हैं जैसे चंबा रुमाल है हमारा, कांगड़ा पेंटिंग्स हैं वो सब आता है, और कल्चर जो हिमाचल का मैंने बताया जो भी हमारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो भी कास्ट उनके कल्चर क्या है, उनके ड्रेसेस क्या है, वो कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं टीडे। और उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। आप पता है कि हिमाचल को वैली ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, अवार्ड ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं और सभी टेम्पल्स की अपनी अपनी जो है इम्पॉर्टेंस है, काफ़ी मान्यताएँ हैं अपने सभी टेम्पल्स की। तो इन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कैसा है, कुछ जो जैसे मशहूर रोकर टेम्पल है या बैजनाथ का टेम्पल है या मंडी के भूतनाथ मंदिर की बात करें तो वो एंशियंट टाइम्स के बने हुए, अराउंड 7 to 10 सेंचुरीज के अराउंड जो है वो उनका जो है वो उस टाइम के बने हुए हैं। तो उनका स्टाइल कैसा है, वो शिखा स्टाइल्स में है या पेगोडा स्टाइल है या पेंट रूफ स्टाइल है, इस तरह के काफ़ी टेम्पल्स जो हैं जिनके हम आर्किटेक्चर को जो है अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको आता ही आता है। उसके बाद कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हिमाचल की, जैसे अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या एकेडमिक्स से रिलेटेड है या जिन्होंने काफ़ी जैसे अमृता शेरगिल वगैरह काफ़ी और सरदार शोभा सिंह की आर्ट गैलरी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये प्लेसेस हैं और उनसे भी क्वेश्चन जो वो बनते हैं और ये प्लेसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी अपने आप में हम जो है कवर करेंगे कहाँ से, एक तो हमारे पास सोर्स होगा बजट इस ईयर का और उसके बाद होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो हमारे लिए लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स होगा हिमाचल का वो कवर करेगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस मंथली करंट अफेयर्स जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रहे होंगे वो भी हम जो है वो वीक में एक बार जो है उनको डिस्कस वीकली जो है वो हम उनको डिस्कस किया करेंगे। और उसके बाद हम देखें तो इकॉनमी में और क्या रह जाता है, फिर हमारे आते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, लैंड रिफॉर्म्स का हिमाचल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है लैंड सीलिंग एक्ट आए या जो भी है वो भी देखेंगे। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्स हैं, सेरिकल्चर है, फिशरीज हैं, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात की हिमाचल में मिनरल वेल्थ जो है जो कि मिनरल वेल्थ की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो कहाँ कहाँ जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। उसके बाद जो मिसलेनियस पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि किसी बुक्स जो है वो किन किन ऑथर्स ने जो हिमाचल के रिगार्डिंग लिखी हुई हैं वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल किसी न किसी या तो 9th से ला के या HS के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि किसी ऑथर का नाम बुक का नाम दे दिया होगा, नीचे ऑथर्स के नेम दिए होंगे और आपको जो है उसमें पिक करना होता है कि कौन सा ऑथर जो है वो इस बुक को उसने लिखा हुआ है, इस तरह से आता है। उसके बाद हिमाचल का सेंसस जो है वो देखेंगे और बाकी कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सारी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फुल फ्लेज कोर्स में हम सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करेंगे, रिवीजन भी होगा, करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी जो है वो अच्छे से देखेंगे। साथ ही साथ किसी को कोई क्वेरी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ को पर्सनल प्लस क्लास के अगर आप क्लास में समझना चाहते हैं कैसे भी जो भी मोड आपको ठीक लगता है उस मोड में हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और
मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक जो है हम ये सिलेबस खत्म कर देंगे। अगर एक दिन एक्सटेंड हो जाता है तो हम देख लेंगे, और उसके बाद अगर आप टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए भी हम जो है वो कोशिश करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम अपने लेवल पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।